वीडियो में हम आपको बताएंगे बेल स्लिप की कटिंग और स्टिचिंग। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है जिसमें हम बेल स्लिप को काटेंगे। तो हम आपको बता दें, ये कपड़ा हमने इस तरीके से डबल फोल्ड बिछाया हुआ है, तो इसे हम एक फोल्ड और बिछाएंगे। इसे हमने एक फोल्ड और बिछा लिया है। अब हम स्लिप का मार्क लगाएंगे। ऊपर हम यहाँ पर मार्क एक ठो लगाएंगे, फिर उसके बाद हम 3 इंची में मार्क लगाएंगे, फिर उसके बाद हम 10.5 इंची में एक मार्क लगाएंगे। ये सभी मार्क को हम सीधा कर लेंगे। ये मार्क हमारे लग गए हैं। अब हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे। आर्म होल का मार्क हम यहाँ पर 7 इंची देंगे। ये हमें नाप के अकॉर्डिंग, आपका जितना सूट के नाप के हिसाब से आपका आर्म होल हो उसी हिसाब से आप यहाँ पर मार्क लगा दें। और यहाँ पर हम 11 इंची मार्क लगाएंगे। ये हमने कोहनी का नाप 11 इंची लिया हुआ है, इसीलिए हमने 11 इंची यहाँ पर मार्क लगाया है। अभी इस मार्क को इस मार्क से मिला देंगे। अब यहाँ से हम स्लिप की गोलाई देंगे। यह हमारी गोलाई हो गई है, अब हम इसे काटेंगे। यहाँ पर हम 1 इंची की मार्जिन रखकर इसे काटेंगे। यहाँ पर हम मार्क से काट ले इसे। यहाँ पर हम खुटका देंगे इस मार्क के पास में, फिर यहाँ मिडिल पॉइंट में खुटका मारेंगे। अब इसे हम इस तरीके से खोलेंगे, सामने की तरफ हम इसमें छाट मार देंगे। यह हमारी बेल स्लिप की ऊपर की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे की कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, हमने बेल के लिए ये कपड़ा लिया हुआ है, तो इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड लिया हुआ है। इसे हम एक फोल्ड और बिछाएंगे। इसे एक फोल्ड हमें किस तरीके से करना है, यहाँ से हम कपड़े को पकड़ेंगे इस कॉर्नर से, और इस कॉर्नर को हम यहाँ से पकड़ेंगे। इसे हम इस तरीके से कोना कर लेंगे। यह हमारा रुमाल के जैसा हो जाएगा कोना। अब हम स्लीव को लेंगे कि ये स्लीव को हमें किस तरीके से बैठाना है। स्लीव को हम इस तरीके से बैठाएंगे। देखें दोस्तों, इस तरीके से हमें स्लीव को बैठाना है। एक हमारी स्लीव ये इधर की तरफ जा रही है और एक हमारी इधर की तरफ जा रही है। ये दोनों हमारी फैलाव में जा रही है। अगर आप इस तरीके से सीधी सी से बैठाएंगे तो ये हमारी सही सी से फैलाव नहीं मिलेगा, इसलिए हमें इसे इस तरीके से बैठाना है। हमने स्लीव को इस तरीके से बैठा दिया है। अब यहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। यह हमारा मार्क लग गया है। इसे हम पहले स्केल से सीधा खींच लेते हैं। यह हमारा सीधा इस तरीके से खींच लिया हमने। अब हम आपको बता दें, हमारे स्लीव की लंबाई है 18 इंची, तो 18 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने 1/2 इंची ऊपर की मार्जिन छोड़कर हम यहाँ 18 इंची में मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम इसकी गोलाई देंगे। यहाँ 18 इंची हमारा सेंटर यहाँ पर आ रहा है, इसे हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। यह हमारी गोलाई इस तरीके से आएगी। तो दोस्तों, हमने ये गोलाई का मार्क लगा दिया है। अब ये जो हमारा सेंटर है, इससे हमें इस सेंटर में 1 इंची की मार्जिन देकर हम यहाँ पर भी मार्क लगाएंगे। यह हमारा मार्क यहाँ का भी लग गया है। ये टोटल मार्क हमारे लग गए हैं। अब हम इसे काटेंगे। तो काटने से पहले हम आपको बता दें, इस मार्क से हमें कम से कम 1/4 इंची ज़्यादा लेकर काटना है, ताकि ये हमारी यहाँ से फोल्ड होगी।
अब इधर भी इसे काट लें। इसे हम हाफ इंची ऊपर की तरफ ही काटेंगे क्योंकि ये हमारे हाफ इंची मार्जिन यहाँ पर दबेगी। अब हम इसे बैठाकर आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं कि बेल स्लिप हमारी इस तरीके से बनेगी। तो अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने से पहले हम आपको बता दें कि ये बांह को हमें इस तरीके से जोड़ना है और यहाँ पर हमें इसके मिडिल पॉइंट में कट मारने हैं। एक कट हमें नीचे में मारना है और एक कट हम इस जगह में मारेंगे और बांह को इस तरीके से खोल लेंगे। इसे भी हम इस तरीके से खोलेंगे। ये बांह को हम इस तरीके से जोड़ेंगे और इसके हम बीचों बीच सिलाई देंगे। ये दोनों कट को हमें मिलाना है। हम सिलाई बीच से ही स्टार्ट करेंगे। अब इसी तरीके से हम इधर भी सिलाई देंगे। ये बांह को हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। अब ये जो हमारा जोड़ है इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। ये जोड़ है हमें नीचे की तरफ रखना है और इसमें हम नाखून से अच्छी तरीके से इसे बैठा लेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई देंगे। ये सिलाई हमारी हाफ चाप की होनी चाहिए। ये सिलाई हमने इस तरीके से कर ली है। अब इसमें हम फीता और बो लगाएंगे। ये फीते के लिए हमने 1.5 इंची चौड़ा कपड़ा लिया हुआ है जिसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक कट मारेंगे। इसी तरीके से हमें इधर भी कट मारना है। अब यहाँ पर हम सिलाई देंगे। इसके किनारे किनारे हमारी सिलाई जाएगी। ये सिलाई हमने इस तरीके से मारी हुई है। देखिए हमने ये क्रॉस सिलाई मारी हुई है और इधर हमने मुंह को खुला छोड़ दिया ताकि हम इसे पलट सके। ये फीता हमने इस तरीके से बना लिया है। अब हम 1.5 इंची चौड़ा एक कपड़ा और लेंगे जिसमें हमें बो बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलाई देंगे। इसे भी हम पलट लेंगे। इसे हमने इस तरीके से पलट लिया है। अब यहाँ पर हमारा कच्चा है, इसे हम अंदर की तरफ इसे घुसाकर सिलाई देंगे। ये बो को हमने इस तरीके से सिलाई दे दी है। अब हम इसे इस तरीके से हल्की हल्की चूने देकर इसे हम इस तरीके से सियेंगे और इसमें सिलाई देंगे। ये बो हमारा इस तरीके से बन गया है। अब इसे हम हाथ में लगाएंगे। ये बांह को हमने इस तरीके से ले लिया है और इसका मिडिल पॉइंट बांह का हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये जो हमने फीता सिया है इसे हम इस तरीके से करेंगे। ये हमारा भी आएगा और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके ऊपर हम बो को इस तरीके से बैठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। ये बो को और लुप्पी को हमने इस तरीके से लगा लिया है। अब हम इसके नीचे पट्टी लगाएंगे। पट्टी के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जो कि हमारा उरेब है, इसे हम लगाएंगे। ये बांह हमारी हो गई।
इसके हम उल्टे की तरफ इसे रखेंगे और यहाँ पर हम पट्टी को लगाएंगे। इस तरीके से हमें पट्टी को रखना है। अब इसे हम लगाएंगे। इसे अच्छी तरीके से नाखून से बैठा देंगे। ये पट्टी हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। अब इसे हम सामने की तरफ फोल्ड करेंगे और ये हमें जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए उतनी चौड़ी हम इसे मोड़कर इसमें सिलाई देंगे। ये हम इतनी चौड़ी से देंगे। ये हमारी पट्टी इस तरीके से लग गई है। अब हम इस बांह को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई देंगे। ये बांह में हमने सिलाई इस तरीके से दे दी है। अब हम इसे पलट कर आपको दिखाते हैं कि ये बांह हमारी किस तरीके से बनी है। देखिए दोस्तों, हमने बांह को इस तरीके से पलट लिया है। अब हम यहाँ पर एक ठो बटन लगाएंगे ताकि ये बांह और खूबसूरत लगे। तो ये बटन हमने लिया है जो कि हमारा यहाँ पर लगेगा। तो बटन को हमने इस तरीके से लगा लिया है। तो दोस्तों, ये बांह का डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और नई से नई वीडियो ला सकें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।